पूरे देश भर में भारत बंद का आह्वान किया गया, जिसका असर मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में भी देखने को मिला, जहां सुप्रीम कोर्ट द्वारा आरक्षण को लेकर दिए गए फैसले के विरोध में रैलियां निकाली गईं। आपको बता दें कि बुरहानपुर में भी SC ST के युवाओं द्वारा प्रदर्शन किया गया, जिसमें कई हद तक दुकानें बंद नजर आईं। वहीं युवाओं का कहना है कि SC और ST को वर्गीकृत करना देश के संविधान का उल्लंघन है। इस दौरान युवाओं से लेकर बच्चों ने प्रदर्शन किया। आज भारत बंद इसलिए किया गया है कि दिनांक 1/8/2024 को सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया था कि जो SC ST रिजर्वेशन है उसमें एक वर्गीकरण का रूल लाया है, जिसके तहत जो जातियों में उन्होंने आरक्षण डिवाइड कर दिया है, जो कि किसी भी तरह से संविधान के अनुरूप नहीं है। ये पूरी तरह से संविधान का उल्लंघन है और हम इसी के विरोध में आज बुरहानपुर बंद और भारत बंद का समर्थन करने के लिए सड़कों को उतरे हैं और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम सिस्टम में बैठे जजेस के आधार पर SC ST OBC की हकमारी को लेकर एक आदेश पारित किया है, जिससे पूरे बहुजन समाज में रोष है, आक्रोश है और वह हमारे हकों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है। इसीलिए सभी बाबा साहब के अनुयायियों द्वारा कलेक्टर के पास जाकर राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति को एक ज्ञापन सौंपा जा रहा है, जिसमें इस बात का आह्वान किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम सिस्टम के जो जजों द्वारा जो अशुद्ध आदेश पारित किया है उसमें फेरफार करे और SC ST OBC के हकों को अनुच्छेद 341 342 के अंतर्गत सुरक्षित रखे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, उसमें जो अनुसूचित जाति और जनजाति का आरक्षण खत्म करने का जो फैसला है उसके खिलाफ में हम जो है रोड पे आए हैं और पूरे देश को बंद करने का जो माननीय बहन जी का आदेश था उसी को लेकर हम आज बुरहानपुर बंद को समर्थन दे रहे हैं। और जो फैसला आया है वो फैसला जो है 15/4 और 16/4 के अंतर्गत जो है किसी भी जाति को जोड़ने का और घटाने का अधिकार जो है केवल राज्य केंद्र सरकार को है और राष्ट्रपति महोदय जी को है।